आप सारे बिल्कुल खामोश हो जाओ तो आपको बात की समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आपकी गैरत और आपकी रिवायत के मुताबिक आपने साबित किया है कि आप हर दम अव्वल दस्ता है हमेशा से। ये जो फॉर्म 47, ये बेगैरत हुकूमत जो आइन को नहीं मानती और हमें आइनी हक नहीं देती और इस तरह की हालत कि पहले शेलिंग, हर किलोमीटर पे शेलिंग, उसके बाद ग्रेनेड फायरिंग, हमारे कारकुन जख्मी हो गए हैं, उनको गोलियां लगी हैं, हम इस एक के गोली का हिसाब लेंगे। उठाओ हल्फ, हम अपने हर दूसरी कारकुन का हर गोली का हिसाब लेंगे। सर जी पीछे हम रियायत करते हैं और ये हल्फ लेते हैं भाई आवाज उठ। हम ये हल्फ लेते हैं, हमने आप जिस तरीके से इन्होंने गोलियां चलाई है हमारे निहत्ते लोगों पर, अगर इस मुल्क में निहत्ती आवाम पर गोली चलाने का रिवाज पैदा हो गया तो बंदूकें हमारे पास भी हैं, गोलियां हमारे पास भी हैं, तो हम जो बंदूकें बनाना भी जानते हैं और गोलियां बनाना भी जानते हैं। इमरान खान साहब का हुक्म था, गौर से मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई बहादुर का टेस्ट नहीं हो रहा, ये ना बताए कौन कितना बहादुर है, बहादुर साहब की चेक हो गई है, जो भी यहाँ खड़ा है वो बहादुर है, कोई ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश ना करे। यहाँ पर इमरान खान का हुक्म था, इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों ने हर सूरत में प्रोटेस्ट करनी है और अगर आप लोग टाइम पर नहीं पहुंच सकते तो जहां पर भी होंगे वहां पर प्रोटेस्ट करोगे आप। अब क्योंकि दिल्ली में टाइम खत्म है और प्रोग्राम वहां पे है ही नहीं, तो अब खान साहब के हुक्म के मुताबिक, अभी फिर से गौर से मेरी बात भी हुई है, खान साहब के हुक्म के मुताबिक अपना एहतजाज हम यहाँ रिकॉर्ड कराएंगे और खान साहब का जो अगला हुक्म है उस पे दोबारा गैरत का टेस्ट होगा, फिर बहादुरी का टेस्ट होगा। ये एक दिन की तहरीक नहीं है, इमरान खान को रिहा करने तक ये तहरीक जारी है। थके तो नहीं हो, लड़ोगे, मरोगे, मारोगे। मेरे गैरतमंद भाइयों, मैं आपको पख्तूनों सलाम पेश करता हूँ कि आपने पख्तून ख्वाब की आवाम ने हमेशा गैरत के ऊपर अपने आप को साबित किया। ये रास्ता भी हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन जो के हुक्म के मुताबिक इमरान खान के टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहाँ तक पहुँच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है, तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? इमरान खान का हर हुक्म हम मानेंगे। इमरान खान हमें कहेगा दिल्ली आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे, जाकर जाओ वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे, वो भी हरियाणा आओ, हम हरियाणा तक जाएंगे। अब मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लीड करूंगा, सबसे आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ, सामने हंसा के मेरी गाड़ी खड़ी है, जाओ चेक कर लो, सबसे आगे आपके साथ मैं खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, ये सारी लाइटें मेरे पे आ रही हैं, कहते हैं मुझे खतरा है, जिसने गोली मार रही है मार रहे हैं। छुप के ना मारना, इमरान खान की आजादी तक हर समय, हर पल, हर सेकंड
हर मिनट, हर घंटा, हर दिन हम अपनी यही तहरीक जारी रखेंगे और हम इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि हम आजाद हैं। क्या तुम लोग आजाद हो? जज्बा है, जुनून है, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, मरोगे, मारोगे। अब सब भाइयों ने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जितने भाई आए हो हमने एक एक भाई को साथ लेके जाना, इंतजार करना है, आराम से चलना है, आहिस्ता आहिस्ता चलना है। वापसी पर एक गाड़ी रास्ते में है, एक गाड़ी वो जहाँ वो पुलिस वालों की रिसोर्ट तुमने की है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने पंजाब पुलिस के लोग पकड़ लिए थे, लेकिन हम हथों पे हमला नहीं करते, बगैर तो हमने छोड़ दिए। ये है हमारी गैरत, वो तुम बेगैरत हथों पे हमले करते हो। अगली दफा हम निहत्ते नहीं आएंगे, ठीक है? वापसी पे उसी पे संभालना है, रह तो नहीं गया, उसका ख्याल करना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर हमारा एक जलसा है, रोजाना हमारी तारीख होगी। सबका जिगरी सबका यार, नंबर 804 पाकिस्तान जिंदाबाद, पख्तूनख्वा की आवाम जिंदाबाद, बार बार जिंदाबाद। आराम से जाओ।